अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस क्या हाल है, काफी टाइम के बाद वीडियो जो है हम शूट कर रहे हैं। तो इसमें मैं आज जो स्टार्ट जो ले रहा हूँ वो था इसके वर्कआउट से ले रहा हूँ। काफी टाइम हो गया था, लड़के कह रहे थे वीडियो नहीं आ रही, तो भाई सर्दी इतनी थी वीडियो कैसे बनाते, डंबल को हाथ लगाने का दिल नहीं करता था। तो खैर अब हम जो है ना वीडियो बनाएंगे, तो आपको वीडियो शो भी करेंगे कैसी बनती है, तो वो तो आप बताएंगे। खैर आज हमारा थाइस का वर्कआउट है, आज हम ये स्क्वाट कर रहे हैं, सीटअप। तो पहला सेट हमारा होगा 100 का, दूसरा भी 100 का, और भाई तीसरा भी 100 का ही कर लेंगे, ठीक है। तो एंगल आपका ये होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, थोड़ी सी भी कमर बेंड हुई तो पेन निकलने का खतरा है, तो पेन नहीं होना चाहिए, कमर सीधी रखनी है आपने। और अभी मेरे ख्याल में तो 25 हुए होंगे, तो इसमें फिर नेक्स्ट वर्कआउट जो है ना हम शो करेंगे। बट अभी जो है ना हमारा एक सेट होगा सिटअप का, उसके साथ नेक्स्ट गेम अटैच कर रहे हैं, तो नेक्स्ट गेम आपको दिखाते हैं। 100 सिटअप हो गए, 100 सिटअप। तो नेक्स्ट हमारा है एक टाइम के कम से कम 30 से 40 रैप लंजिस, ठीक है। ओ आई एम सॉरी, चलो ठीक है, इसे कहते हैं रिवर्स लंजिस। तो गेम स्टार्ट करने से पहले था इसको अच्छा वार्म अप करना जरूरी है, ताकि मसल की खूबसूरती में इजाफा हो। तो हमने लंजीज को भी ऐड रखना है साथ सेटअप के, इसके बाद हम गेम स्टार्ट करेंगे। और ये सबसे फेवरेट गेम है मेरी, क्योंकि जब आपके वेट हो रहे होते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही होती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे नहीं चैनल पे नहीं बताता, कमेंट्स में बताऊंगा। क्या इनबॉक्स में आप पूछ सकते हैं क्या क्या फायदे था इसकी गेम करने के। हमारा स्क्वाट हम करने लगे हैं, तो उसके लिए हमें जरूरी है बेल्ट। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि अगर लोअर बैक का पेन निकल गया फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो गाइस बेल्ट पहनना जरूरी है, ताकि जो है बैक आपकी मेरी। तो कॉर्ड हमें करनी है 3 एंगल से, एक तो हमने ये नॉर्मल पांव की शेप रखनी है, ठीक है। तो इसके हम 10 रैप्स करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम 11 छेद, ठीक है, इसके लिए हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम करेंगे सोमो स्क्वाट, थोड़ा सा खोल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे आगे हर एंगल पे थाइस के फ्रंट को जोर पड़ेगा और बहुत प्यारी शेप आती है। तो गाइस जो मैं कर रहा हूं ये आपने करना जरूर है। हाँ तो गाइस सॉरी, मैं बात बताना भूल गया आपको कि सेट जो है ना कम से कम 4 से 5 सेट करने हैं आपने, और हर सेट पे वेट बढ़ाना है आपने, ठीक है। जहां पे ना लग रहा हो तो आप अपने जिम कोच को ट्रेनर को कॉल देंगे, वो आपको हेल्प आउट करके पूरी गेम करवाएगा थाइस की। तो ये मैंने बताया नहीं था, सोचा आपको बता दूं। जी लेग प्रेस करने लगे हम, इसमें मैं आपको 4 किस्म के एंगल बताऊंगा जो हमारे थाइस के इन आउट फ्रंट सारा जो है इफेक्ट पड़ेगा। ये देखिए अब हम पहले करेंगे बिल्कुल नॉर्मल लेग प्रेस, थोड़ा सा वी शेप एंगल में, ठीक है। और किस चीज का ख्याल करना है जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो
ये आपका थोड़ा सा घुटना बेंड होना चाहिए, बिल्कुल सीधा नहीं रखना, हैवी वेट हुआ तो काम खराब हो सकता है। सो हम इसके पहले करेंगे रेपिटेशन, ओके, और आपकी हिप नहीं उठनी चाहिए, ठीक है। एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये हमारा, ये 11th नैरो स्टाइल है, ठीक है, ये हम क्लोज में करेंगे, इसमें भी टांगे बेंड रखेंगे, ओके। फिर हम इसको करेंगे बाइट में, फिर हमारा है एक्स्ट्रा बाइट अपर साइड, ये यहां ऊपर, और टांगे जब आप नीचे आएंगे तो ऑपोजिट साइड पे पांव की शेप में ही आपने ओपन करना है इसे, लगे हैं लेग एक्सटेंशन। हम इसको यानी कि थोड़ा सा सुपर सेट करेंगे, और पहले बिल्कुल लाइट वेट से हम इसको करेंगे, ये रोक रोक के, यू रोकना ऊपर ला के, फिर ये, फिर रोकना, ठीक है। इसी तरह हमने 10 रेप्स करना है, और अब हम इसका वेट एक एक प्लेट बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये हमने एक प्लेट बढ़ा ली, रेस्ट नहीं लेना, प्लेट बढ़ा के साथ ही स्टार्ट 10 रेप्स। फिर हमने एक प्लेट बढ़ा ली, ठीक है। तो इस तरह सुपर सेट करना है, और जब आप करेंगे देन आपको पता चलेगा कि कितना जबरदस्त वर्कआउट था इसका। आज तो आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट वर्कआउट कौन सा है, सामने रॉड पड़ा है, प्लेटें लगी हुई है, बैठ हाथ में है, तो भाई थाइस की गेम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लंजीज है, तो हम लंजीज करने लगे हैं। अगर आपके जिम में जगह खुली है तो आप जो है इसको चलते हुए करेंगे, जैसा कि ये वाली। अगर आपके जिम में जगह नहीं है तो आप इसको फिर रिवर्स लंजेस करेंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। लेडी अब हम वर्कआउट कर रहे हैं इसका, हैमस्ट्रिंग का, ठीक है। हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट जो है ना, ये हमारे पास मशीन है, सो इसके ऊपर ऐसे उल्टे लेट के पीछे पांव फंसा के, तो हमने इसको करना है कर, ठीक है जी। ये यूं समझ लेंगे आपकी थाइस का बाइसेप है हैमस्ट्रिंग, इससे थाइस की शेप बड़ी खूबसूरत लगती है और जींस पहने हुए बहुत प्यारी लगती है। तो गाइस ये वर्कआउट आपने जरूर करना है थाइस की गेम में। लेकिन हैमस्ट्रिंग का हमारा नेक्स्ट वर्कआउट जो है वो हमने लेग कर की थी, अब हम कर रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये हमारा हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट है, ठीक है, यू समझ लेंगे थाइस के बाइसेप्स का। लेकिन आप उस हमारा थाइस का वर्कआउट हो गया है, नेक्स्ट वर्कआउट हमारा थोड़ा सा चेंज होगा, जिसमें हम यानी कि काफ की भी गेम करेंगे, और थोड़ा सा वर्कआउट हमारा चेंज होगा, उसमें सुपर सेट थोड़े ज्यादा होंगे। जब आप गेम कर चुके हो तो फिर आप थाइस को रिलैक्स भी कर सकते हैं यूं बैठ के, तो इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा जैसा कि मुझे लग रहा है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, मजा आएगा, लेकिन वर्कआउट करने जरूर है आपने। जजाकल्लाह, जीते रहे हंसते मुस्कुराते।